हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉर्मफिक्स। हमारे साथ एक स्टूडेंट है 27 दिसंबर बैच के। अपना नाम बताइए। सुहेल। क्या नाम है? सुहेल। सुहेल कहाँ से? कर्नाटक से। कर्नाटक से। तो सुहेल ये बताइए, आपका कितने साल से काम कर रहे हैं? आप 8-10 साल से। 8-10 साल से काम कर रहे हैं। तो यहाँ आप कितना दिन हो गया आपको आते? चौथा दिन है। फोर्थ डे है। ठीक है, तो फोर्थ डे है अभी। इसके आने से पहले आप क्या क्या काम करते थे? आपका लाइफ का ज़रा कुछ एक्सपीरियंस बताइए, क्या क्या करते थे आप? बस डिस्प्ले चार्जिंग पिन वगैरह लगा लेते थे। मतलब बेसिक वर्क करते थे? आईसी वर्क तो नहीं। आईसी लेवल का काम बिल्कुल नहीं करते? अच्छा, तो आईसी लेवल का काम किसी और से करवाते थे होंगे यहाँ से, पहले दूसरी जगह से, है ना? तो अब यहाँ आपको सीखने के लिए आना पड़ा। तो अब ये बताइए, चार दिन में आपने क्या क्या काम किया जो इसके पहले नहीं करते थे यहाँ? रिवॉल्विंग करने का कम्प्लीटली सीख गया। आपका 3 दिन तो रिवॉल्विंग में ही गया? हाँ सर। तो आप आज 4 डे में आपने CPU डन किया हुआ है? 4G वाला CPU ना? ऐसा तो नहीं है 3G वगैरह पुराने फोन जियो के वगैरह तो नहीं दे रहे आपको? 4G वाला। 4G वाला फोन तो ऑन दिए थे आपको प्रैक्टिस के लिए? जी ऑन दिए। तो अभी ऑन आप क्या क्या किया उसमें ऑन कंडीशन में? CPU रिवॉल्व करके लगाया, फिर से ऑन किया। अच्छा, उसी फोन का आपने CPU रिवॉल्व करके लगा के? ठीक है, एक बार मुझे ऑन करके दिखा सकते हैं? जी। ठीक, तो ये आप फेक तो नहीं बोल रहे? नहीं सर, बोलने लगा रहा ऐसा तो नहीं है? नहीं, आपने खुद से काम किए ना? जी हाँ। चलो ठीक है, एक बार ऑन करके दिखाइए। तो यहाँ पे देख सकते हैं DC में, जैसे कि यहाँ स्विचिंग एक बार अच्छे से दबाइए बटन, एक बार स्विचिंग देख सकते हैं यहाँ पे DC का। तो यहाँ पे स्विचिंग हो रहा है। और यहाँ पे एक बार स्क्रीन भी दिखाइए, एक बार यहाँ पे फ़ोन की स्क्रीन भी दिखाई, जैसे कि MI का लोगो आ गया है यहाँ पे। ठीक है, तो इनके लिए एक बार क्लैप्स करिए सब लोग। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे जो फ्रेशर स्टूडेंट है, 8 साल से काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे इनके लिए तो ये फ्रेशर ही है। 4 दिन से ये लगातार प्रैक्टिस करने के बाद 4G CPU को डन किए इन्होंने, रिवॉल्व करके ऑन किए। तो अभी ये बताइए, कॉन्फिडेंस क्या है? अभी डर है? नहीं सर, अभी कोई भी दे तो काम कर सकते CPU में? कर सकते। जो मेन चीज़ है CPU को लगाना निकालने में, बहुत लोग डरते हैं सर, है ना? बाकी तो बहुत लोग बोलते हैं कि पावर AC हम पहले से काम करते थे बदलने में, लेकिन मेन CPU में नहीं करते थे। तो अभी आपका डर है या निकल गया? निकल गया। अच्छा, तो डर निकलने का रीज़न ये बताइए कि यहाँ पे आपको कुछ अलग क्या नया मिला देखने में? डर कैसे निकला आपका? कोचिंग अच्छा है, कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। कॉन्फिडेंसली? तो यहाँ पे लाइव बताते हैं ऐसे बाद में बताते कुछ करके? नहीं। तो सागर सर का बताने का स्किल बताइए कैसा है? सर सागर सर का बहुत अच्छा है हैंड स्किल। अच्छा, और उनका फिरोज सर का थियरी भी बहुत अच्छा अच्छा समझ में जाता है। तो डेली कितना वर्क चल रहा है क्लास का यहाँ पे? सर हम सुबह 8 बजे आते हैं। सुबह 8 बजे से? देखो यहाँ पे आप झूठ तो नहीं बोले ना? नहीं सर, यहाँ इंस्टीट्यूट का जो टाइमिंग है 10 बजे का है, 10 बजे से रात में 8 बजे, 9 भी बजते हैं कभी, 9:30 भी बज जाते हैं, लेकिन ओपनिंग का जो टाइम होता है 10 बजे, लेकिन यहाँ पे हमारा कोई टाइमिंग नहीं है। यहाँ पे फ्रेशर स्टूडेंट को एक्स्ट्रा 2 घंटे यहाँ पे बिठाया जाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम मिले इनको काम करने के लिए, एक्स्ट्रा टाइम मिले। ऐसा कहीं भी नहीं होता है कि जो एक्स्ट्रा टाइम दे किसी को, ठीक है? हमारे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम बिठाते हैं, 8 बजे सुबह से आते हैं ये, और रात में कितने बजे आते हैं? 9 बजते। तो टोटल कितना ओवर हो रहा है यहाँ पे? सर बीच में एक और आधा घंटा लंच को जाता है, तो लंच के लिए रहता है। तो टोटल आपका 10 ओवर और 11 ओवर तो यहाँ हो रहा ही है। तो यहाँ पे ऐसा कोई आपको ट्रेनिंग देने में कोई तो ऐसा तो नहीं कर रहा है, कोई कमी है कुछ चीज़ साइड? ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एकदम सेटिस्फाइड है, और इनको हर एक चीज़ यहाँ पे एकदम अच्छा लग रहा है, सेटिस्फाइड है। ठीक है, थैंक यू।